हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग 10th से इसमें लगातार पढ़ रहे हैं और अब तक आप लोग 10 टेंस अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम आपको 11वां टेंस पढ़ाएंगे और कल 12वां टेंस पढ़ा करके टेंस हम ख़त्म कर देंगे। ये जो ग्रामर की जड़ है, ग्रामर का बेस है, ग्रामर का फाउंडेशन है टेंस, इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो इस आशा को और मजबूत बनाने के लिए हम आज आपको टेंस का एक और पार्ट, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। पहले इसकी पहचान बताएंगे, फिर अनुवाद का नियम बताएंगे और उसके पश्चात आपको कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, यानी वाक्यांत में हम कहेंगे वाक्यांत में चुका होगा, कामा चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, या होगा, या होगा। या है, ध्यान से लिखिएगा, या परमंत्र, या होगा, ई होगी, ई होगी, आदि। फिर से देखें, पहचान है वाक्यांत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आदि आता है। जैसे जैसे देखें, वह है, वह मिठाई खा चुका होगा, वह मिठाई खा चुका होगा। इसके अनुवाद का नियम जरा देखते हैं। अनुवाद का नियम, बच्चों, फ्यूचर टेंस में हमने आपको बताया है कि शैल और विल की बहुत स्पेशल भूमिका होती है। हर टेंस में विल और शैल किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भी विल और शैल ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अनुवाद के नियम में आपको लिखना होगा कि फर्स्ट कर्ता के साथ, फर्स्ट कर्ता ब्रैकेट में क्या कहेंगे, आई और वी, हम दो दिन से आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कर्ता यानी आई वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव, अभी हमने बताया ना सैल, देखो यहाँ सैल आ गया। फिर है सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ हम लगाएंगे विल हैव। अब इन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वी थ्री का प्रयोग करना बच्चों। वी थ्री मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगाना होगा। यही इस टेंस का फार्मूला है। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम इसी आपके दिए गए एग्जांपल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। एग्जांपल है, वह मिठाई खा चुका होगा। आप कर्ता खोज लीजिए, कर्ता आपका ही है, कोई शक नहीं है ना, ही। अभी कौन कर्ता होगा, थर्ड कर्ता होगा, और थर्ड कर्ता के साथ आपको सहक्रिया का सिलेक्शन करना होगा विल हैव। देखिए बच्चों, अब तक तो आप लोग 10 टेंस पढ़ चुके हैं, अब 11वां पढ़ रहे हैं। जब 12 टेंस पढ़ चुके होंगे तो जब किसी हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, जानते हैं क्या होगी, वो होगा पहचान, कि हम इस वाक्य को किस टेंस में पहचानेंगे। जब तक पहचान नहीं पाएंगे तब तक उस टेंस का आप अनुवाद कर ही नहीं पाएंगे, उस सेंटेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस की पहचान आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए इस पर देखते हैं, वह मिठाई खा चुका होगा अर्थात ही विल हैव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईट का, ईटन हो जाता है, ही विल हैव ईटन द स्वीट्स, ये आपका अनुवाद हो गया, ही विल हैव ईटन द स्वीट्स, वह मिठाई खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन द स्वीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फिल्म, हम फिल्म देख लिए होंगे, हम फिल्म देख लिए होंगे, ध्यान दीजिए, हम फिल्म देख लिए होंगे को हम कह सकते हैं हम फिल्म देख चुके होंगे,
दोनों बात एक ही है, या होगा हमने बताया पहचान में, या होगा ई होगी ये होंगे, यानी फ्यूचर टेंस में यहाँ काम का पूर्ण होना पाया जा रहा है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम मानेंगे। हम फिल्म देख लिए होंगे, अर्थात हम फिल्म देख चुके होंगे, बात तो समझ में आ ही रही होगी। अब हमें ट्रांसलेट करना है तो कर्ता लिखेंगे वी, और वी के साथ सहायक क्रिया तो आप आराम से लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, तो वी शैल हैव, इतना क्लियर हो गया। अब हमें देखना का थर्ड फॉर्म, तो देखना के अरे लुक होता है, सी होता है, वॉच होता है, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ सी हम कर देते हैं, तो सी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीन, वी शैल हैव सीन, और फिल्म के लिए लिखेंगे द मूवी या फिल्म, द मूवी। आप फिल्म भी लिख सकते थे, पूरा बन जाएगा हम फिल्म देख लिए होंगे, यानी हम फिल्म देख चुके होंगे का अनुवाद हुआ वी शैल हैव सीन द मूवी, या वी शैल हैव लुक्ड द मूवी या द फिल्म। अगला भाग देखें, हमारे गुरुजी गोरखपुर पहुँच चुके होंगे, हमारे गुरुजी गोरखपुर पहुंच चुके होंगे, तो बच्चों इसमें कर्ता खोजिए, कर्ता है हमारे गुरुजी अर्थात आवर टीचर। ध्यान देना, गुरुजी के लिए आप टीचर जी नहीं लिखेंगे, ये तो हिंदी है जो हमें संस्कार सिखाती है, जी वगैरह लगवाती है, अंग्रेजी में कुछ ऐसा नहीं होता है, अंग्रेजी में कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है बच्चों, तो आपको जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आवर टीचर। अब सहायक क्रिया लगाना है, तो आवर टीचर किस प्रकार का करता होगा बच्चों, फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि आई और वी इसमें शामिल नहीं है, तो थर्ड हुआ, और थर्ड के साथ आपको सहायक क्रिया लगाना होगा विल हैव, आवर टीचर विल हैव, और पहुंचना के लिए हो जाएगा रीच्ड, आवर टीचर विल हैव रीच्ड कहाँ, गोरखपुर, यहीं लागे जोड़ दीजिए गोरखपुर, आवर टीचर विल हैव रीच्ड गोरखपुर। बहुत आसान है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं दिख रही होगी, बस आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर हमने बताया है, जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक अनुवाद करना कठिन होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब तक हम पढ़ाते हैं आसान लगता है, लेकिन यही वाक्य जब आपको अलग से ट्रांसलेट करने के लिए दे दिए जाते हैं तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, और उस समस्या की जो मूल जड़ है बच्चों वो यही है कि आपको टेंस की पहचान बढ़िया से याद नहीं रहती है, इसलिए आपके सामने समस्या आती है। तो क्यों ना हम इस समस्या को दूर कर लें, सारे टेंसों की पहचान हमको याद होनी चाहिए, सारे टेंसों में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं लगती हैं यह याद होना चाहिए, सारे टेंसों में क्रिया का कौन रूप लगता है, ये सब चीज़ें जब याद रहेंगी तो ही आप किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्नवाचक की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर चुके होगे, क्या तुम मेरी प्रतीक्षा कर चुके होगे। तो बच्चों हमने आपको बार बार बताया कि जब किसी वाक्य में क्या पहले आए तो हमें सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया पहले लिख देनी है कर्ता के अनुसार, तो इसमें कर्ता है यू, तो यू के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगी, विल हैव होना चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे हम विल यू हैव, विल यू हैव, थर्ड फॉर्म में प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करने का आप जानते हैं ना वेट, तो थर्ड फॉर्म वेटेड हो जाएगा, यू विल यू हैव वेटेड, और मेरी है तो फार्मी हो जाएगा, फार्मी और कुछ बचा नहीं है, विल यू हैव वेटेड फार्मी, यानी क्या तो मेरी प्रतीक्षा कर चुके होगे, प्रश्नवाचक लगा दीजिए लास्ट में। अगला वाक्य, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा। अब फिर वही चीज, क्या पहले आया है तो आपको सबसे पहले विल या शैल हैव लगाना होगा, इसमें करता है माली यानी गार्डनर, तो द गार्डनर पहले हम लिख देते हैं, द गार्डनर GARDENER। अब द गार्डनर के अनुसार सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी विल आगे हो जाएगा और हैव पीछे हो गया।
विल द गार्डनर हैव, और तोड़ना करी, प्लक माने तोड़ना होता है, पी एल यू सी के ई डी, प्लग्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, ब्रोकन नहीं लिखेंगे बच्चों, ब्रोकन होता है किसी हार्ड वस्तु को तोड़ने के लिए ब्रेक यूज किया जाता है, ये तो फूल बहुत कोमल होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें किसी यंत्र हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ से पकड़ते हैं, उंगली से पकड़ते हैं, टूट जाता है, तो बहुत नाजुक होता है, इसलिए प्लक यूज किया जाता है इसके लिए। तो विल द गार्डनर हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, पूरा बन गया, विल द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। अगला देखिए, पिताजी कहाँ जा चुके होंगे, पिताजी कहाँ जा चुके होंगे, ऐसे भी कह सकते थे पिताजी कहाँ गए होंगे, तो अब इसमें मॉडल हमने चेंज कर दिया है, तो आपको सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखना होगा, और कहाँ की अंग्रेजी आप जानते हैं, होयर, अब तो होशियार हो ही गए होंगे आप लोग, होयर हो गया, अब पिताजी के लिए लिखेंगे द फादर, लेकिन द फादर के साथ आपकी सहायक क्रिया विल हैव लगनी चाहिए, तो विल द फादर हैव, विल द फादर हैव, और आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा जाना का गान, बस इतना आसान है, कैसे कहते हैं टेंस कठिन है, कहीं भी टेंस कठिन नहीं है, बस हमारी आपकी मेंटालिटी अगर चेंज हो जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में इम्पॉसिबल कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को जब आप गंभीरता से संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो उसको आपको दिखाई देगा वो शब्द आई एम पॉसिबल, तो कुछ भी संभव नहीं है, कहें संभव माने हम। नेक्स्ट वर्क देखें, हम क्या, हम क्या खा चुके होंगे, हम क्या खा चुके होंगे, अब देखिए हम के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगानी है, तो आप जानते हैं हम के अनुसार सैल लगता है, तो यहां लिख दीजिए सैल, वी गलत हो गया, पहले सैल कहां लिखेंगे, पहले हमको लिखना पड़ेगा व्हाट, हम क्या खा चुके होंगे, तो पहले आप लिखेंगे व्हाट और तब लिखेंगे सैल हैव के बीच में वी, यानी व्हाट सैल वी हैव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा खाना का ईटन, ये आपका अनुवाद हो गया, व्हाट सैल वी हैव ईटन। चलिए अगला वाक्य देते हैं, एक एक सेंटेंस और देखते हैं, हमें कौन बुलाया होगा, मैं थोड़ा सा उलझा रहा हूँ आपको, हमें कौन बुलाया होगा, बुलाया होगा का मतलब बुला चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट ही माना जाएगा, तो हमें कौन बुलाया होगा, तो इस वाक्य में कर्ता हमें नहीं है बच्चों, कर्ता है हु, यानी कौन, तो आप कर्ता लिखिए हु। अब सक्रिया क्या लगेगा, हु के अनुसार साइल तो लगना नहीं है, अब आपके सामने एक ही ऑप्शन है और वो है विल हैव, हु विल हैव, और इसमें बुलाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, और कर्म क्या है, हमें का अस, अंत में प्रश्न चिन्ह हो गया, पूरा वाक्य बन गया आपका हु विल हैव कॉल्ड अस। अभी एक वाक्य की जगह और दिख रही है, एक वाक्य और हम लिखना चाहेंगे, लिखना है हम किसको पढ़ा चुके होंगे, हम किसको पढ़ा चुके होंगे, तो हमने बच्चों बार बार आपको बताया है कि किसे या किसको के लिए हुम लगता है, डब्ल्यू एच ओ एम, बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या लगाएं, तो इसमें आप लगाएंगे हुम के लिए, किसको के लिए हुम, डब्ल्यू एच ओ एम, अब कहेंगे साक्रिया यहाँ हु के अनुसार लगा था विल हैव, लेकिन यहाँ हुम के अनुसार नहीं आपको साक्रिया लगानी है, क्योंकि हुम करता है ही नहीं, करता तो है हम, तो हम के अनुसार हो जाएगा सैल हैव, यानी सैल वी हैव, हुम सैल वी हैव, और पढ़ाना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टी ए यू जी एस टी, अंत में प्रश्न चिन्ह, ये आपका वाक हो गया हुम सैल वी हैव टाट। तो बच्चों ये रहा है आपका शानदार फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
हमें उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है प्रोफेशनल नहीं है, हम प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केवल 9, 10, 11, 12 के बच्चों को टेंस की बेसिक जानकारी दे रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल एंड इट इज़ नॉट फॉर क्या कहेंगे कंपटीशन एग्जामिनेशन। बस आपको मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम स्पेशल तरीके से, हमारा अपना पढ़ाने का अपना अलग तरीका है, हम इसे स्पेशल तरीके से आपको बताएंगे एक्सेप्शन ऑफ टेंस में। जैसे इस टेंस में एक वाक्य और आता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, उसी प्रकार पास्ट में भी आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम अलग से एक सीरीज बना करके उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट समझने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। हम आपको सरल से कठिन की तरफ ले चलेंगे, ना कि कठिन से सरल की तरफ। तो पहले सरल चीज़ समझें तब कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए इस टेंस से संबंधित कुछ 10 वाक्य आपको देते हैं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर अब 10 वाक्य दिख रहा होगा। ये सारे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित हैं। इन सभी वाक्यों को सावधानीपूर्वक नियम का पालन करते हुए, अभी पीछे पढ़ाए गए नियमों के अनुसार इनको हल करने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कहाँ गलतियाँ हैं। जहाँ कहीं गलतियाँ होंगी आप हमसे कमेंट करके, या जहाँ कहीं समझ में नहीं आएगा आप हमसे कमेंट करके बेहिचक बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए 10 वाक्यों के बारे में पढ़ दे रहे हैं और जहाँ कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है वहाँ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अंग्रेज़ी सीख चुके होंगे बच्चों, इसमें सीखना की अंग्रेज़ी आपको बताना पड़ेगा हमें। लर्न, LEARN, लर्न होता है। अब कहेंगे थर्ड फॉर्म ही लिखना होगा, तो थर्ड फॉर्म लिखने के लिए ED बढ़ा दीजिए या T बढ़ा दीजिए। केवल T बढ़ाने से भी लर्नड भी थर्ड फॉर्म माना जाता है। क्या तुम गृह कार्य पूरा कर चुके होगे, तो गृह कार्य का होमवर्क होता है, पूरा करना का कंप्लीट होता है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। शिकारी शेर मार चुका होगा, ध्यान दीजिए शिकारी का द हंटर लिखेंगे, द हंटर और शेर का लायन होता है, मारना का हो जाएगा किल, KILL, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो किल्ड हो जाएगा, किल माने मारना। क्या वो है स्कूल आ चुका होगा, ध्यान दीजिए क्रिया आना है और आना का थर्ड फॉर्म जानते हैं कम ही तो होता है, आना का थर्ड फॉर्म आना का रूप है कम, केम कम, तो यहाँ कम ही होगा। राम कहाँ गया होगा, क्रिया जाना है, जाना का थर्ड फॉर्म गान होगा। सीमा क्या खरीद चुकी होगी, खरीदना इसमें क्रिया है और खरीदना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई से बना हुआ है बाट, ये बाट आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, BOUGHT। रामू कमरा नहीं साफ किया होगा, अर्थात रामू कमरा नहीं साफ कर चुका होगा, इट इज़ आल्सो फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ आपको साफ करना की अंग्रेजी लिखना होगा क्लीन, CLEAN, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ED बढ़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा क्लीन्ड। अब देखें धनुष कौन तोड़ा होगा, हम बार बार आपको इस प्रकार का सेंटेंस दे रहे हैं, कौन और किसको या किसे, इसमें अंतर आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे। इसमें कर्ता कौन है और कौन के लिए हु लगेगा, और हु के साथ सहायक क्रिया शैल भी नहीं लगेगी, विल भी लगेगी, और तोड़ना का ब्रेक होता है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होगा, और धनुष की अंग्रेजी धनुष का हो जाएगा BOW, वो माने धनुष। लक्ष्मण किसको मार चुके होंगे, या फिर एक बार मारना, अभी यहाँ मारना हम बता चुके हैं किल माने मारना, यहाँ भी किल्ड लगेगा, और किसको के लिए फिर से आपको बता दें हम क्या लिखेंगे, हुम, WHOM, हुम माने किसे, हुम और हु, हम हर दिन आपको एक एक सेंटेंस दे रहे हैं ताकि इससे संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएं। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखे होंगे हमें उम्मीद है और समझ भी गए होंगे। कल आप अगले टेंस के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।